मेरा नाम राजा कुमार है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और मैंने भी फॉर्म भरा था रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का, जो कि 2019 में वैकेंसी आई थी और 2000 और लगभग 3 साल होने को है अभी तक ग्रुप डी का कोई एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन उसके रिज़ल्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब इसके स्टेज टू का एग्ज़ाम होगा। स्थिति ये है कि जो ग्रुप में लड़के हम लोग साथ में पढ़ते थे, उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। जब तक आपको लक्ष्य दिखता नहीं है, तब तक आप मन से पढ़ते नहीं हैं। और उसके अलावा पारिवारिक स्थिति ये है कि बहुत सारे जो ग्रुप के दोस्त थे, उनको बाहर जाना पड़ रहा है अर्निंग के लिए, कमाने के लिए, क्योंकि परिवार उतना सक्षम नहीं है कि उनको भरोसा। बहुत बड़ी बात है कि माता पिता का भी भरोसा अब उठ रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे में ही कमी है, वो सक्षम नहीं है, वो उस तरह की तैयारी नहीं कर पाता है। लेकिन वो गार्जियन को कैसे समझाए अपने माता पिता को कि 3 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, 500-500 रुपये दे के मैंने फॉर्म भरा और अभी तक उसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में है, उसमें जो है बच्चों को शिक्षा से मनोबल गिरता जाएगा, क्योंकि वो उदाहरण दे देंगे और समाज में भी लोग उदाहरण दे देते हैं कि मैंने तो देख रहा हूँ कि 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। तो देखिए, जब तक एग्ज़ाम समय से नहीं होगा, बच्चे लगन से नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो कहीं पे जॉब नहीं पा सकेंगे। और ऐसा कहा जाने लगा है कि जॉब तो अब एक तरह से ईश्वर की तरह हो गया है कि पूजा करो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, ताकि छात्रों का भला हो सके। हम आप जो वैकेंसी निकालते हैं, उन्हीं वैकेंसी में एग्ज़ाम की बात करते हैं, हम रिज़ल्ट की बात करते हैं, हम आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखते।